फेयर एंड स्क्वेयर ते थोड़ा स्वागत है। साढ़े अज के मेहमान ने मिसिज सविता पट्टी। मिसिज पट्टी, वेलकम ऑन फेयर एंड स्क्वेयर। थैंक यू। तुसी हमेशा एक क्रिएटिव साइड च रहे हो, एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक पॉलिटिक्स विच किवें आ गए तुसी? कुशवान जी, मैं इनू पॉलिटिक्स नहीं देखती। आई जस्ट सी इट कि यह जिहड़ी साडी एक स्ट्रगल सीगी, जिहड़ी जसपाल जी ने एक मुहिम चुकी, मैनू यह लगता कि यह उसकी जर्नी का एक अगे एक एक्सटेंशन हैगी है। सो असी जिहड़ी भी फील्ड च गए, असी चाहे टेलीविजन सीगी, चाहे स्ट्रीट प्लेज, नॉनसेंस क्लब सीगा, उहदे विच हमेशा अपनी सोच बरकरार रखी दैट जिथे भी सानू लगता सीगा कि जिहड़ी चीज़ा मे बी एक समाज नू खा रही है एंड जिस तरह भी असी उहनू प्रोटेस्ट कर सकते सी। सो मेरा भी यही नज़रिया है दैट ना मैं पॉलिटिशियन है, ना मैं पॉलिटिक्स च हाँ, बट कि एक जिहड़ी एक स्ट्रगल कीती है, एक जिहड़ी मुहिम है, उहदा हुण बस एक थोड़ा जिहा अलग रंग हो गया, दैट्स ऑल। ऑब्वियसली कि पट्टी साहब दे नाल एक एक्चुअल जिहड़ी ओरिजिनल आप आदमी दी स्ट्रगल है, एक्चुअली वो पट्टी साहब नू क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उल्टा पुल्टा शुरू किया, फ्लॉप शो शुरू किया, थोड़ा नॉनसेंस क्लब है। बट इफ मिस्टर पट्टी वॉज अलाइव, वो इलेक्शन लड़ दे? दैट्स आई थिंक जिहड़ी जिंदगी है इफ्स एंड बट्स दी हैगी है, बिकॉज जसपाल जी नू बहुत ऑफर्स आते सीगे even when he was that's exactly there, was he inclined? jadon aanda siga te bade khush hunde sige te fir bada sochde rehnde si, but end ch ikko hi gal kehnde sige, kehnde si je main kise wal vi chuk gaya te jaspal batti khatam ho jayega. he meant ki jehdi ik unbiased aur ik jehdi kise wal vi na chukkan wali jehde karke loki ohna nu respect karde aa. I would say कि the only difference is कि उदो आप पार्टी नहीं सी, जे आप ना हुंदी ते तुसी पॉलिटिक्स नहीं आना सी? नहीं नहीं, फिर नहीं आना सी, not at all, because even I मैनू भी कई बारी फीलर्स जे, but मैं I was not interested. और इनफैक्ट मैं जसपाल जी का यह दसना चाहवागी कि जदों अन्ना हजारे जी का जंतर मंत्र च जिहड़ी उन्हां दी एजिटेशन सीगी, केजरीवाल साहब कॉल्ड जसपाल जी एंड सैड कि तुसी इस चीज़ नू शुरू कीता, सो यू शुड ऑलसो बी हीयर. सो जसपाल जी उत्थे गए सीगे और फिर इन्हां ने यूपी दा दौरा कट्ठे कीता सी, केजरीवाल साहब ते जसपाल जी दा. सो दे वर इन टच. दे वर इन टच. सो मैनू वो उहदे नालों लगदा है कि दैट मे बी जसपाल जी शायद हुण पहली वारी रीअसैस कर दे, बट उही मैं कहिंदी हां कि वह मैं उस इंसान की जगह सोच नहीं सकती वॉट ही कुड हैव डन. मैं अपने तरीके नाल जो मेरी सोच सीगी, और मेरा बेसिक परपस टू गैट इन टू दिस इज टू कंटिन्यू द स्ट्रगल. असी अलग अलग तरीके लभ रहे हैं कि असी उन्हां दी नाम और उन्हां दी जिहड़ी लेगेसी है, मैं और साडे बच्चे, वो सिर्फ आप दे थ्रू तुसीं देखदे हो कि फुलफिल हो रही है? दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट. असी क्योंकि असी फिल्मां भी बनानी है, माई सन इज़ गोइंग टू बी मेकिंग द फिल्म जिहड़ी जसपाल जी ने लिखी सीगी. जसपाल जी लिखते सी अखबारों, आई हैव पिकड अप राइटिंग, मैं लिखना शुरू किया क्योंकि वो आई न्यू द स्टाइल और मास कम्युनिकेशन दे भी स्टूडेंट हो? मास कम्युनिकेशन. यू आर अ ट्रेन्ड जर्नलिस्ट. हाँ जी हाँ जी. सो मैं नॉनसेंस क्लब नू भी मैं जिंदा रखना चाहती हाँ. सो आप पार्टी एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है टू कीप हिज लैगेसी अलाइव. तुहानू नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी ने नहीं इंस्पायर किया? नहीं, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज आई थिंक वॉट केजरीवाल साहब हैज़ डन इज़ दैट उन्होंने पहली बारी हर आम खास बंदे दे दिल विच एक आस जगाई है कि तुसी एक सिस्टम नू जे बदल नहीं सकते तो घट तो घट झंझोड़ दे सकते हो. सो आई थिंक दैट होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Have you met Mr. Kejriwal? No, I haven't met him personally. Tusi mile nahi ho? No, I haven't. I have met Manish Sisodia ji. But tusi aap join kiti hun, tusi candidate vi declare ho gaye ho. Tusi ki strengths leke aunde ho? What do you get? Tusi aap which ki apni khasiyatan leke aunde ho? I think tadi soch and the goodwill you carry, jehda ek mere naal ek जिहड़ा आई कैरी दैट नेम विद मी, वो नाम जिहड़ा हैगा है वो
वो तुहाडी मोटिवेशन भी है, वो तुहाडी स्ट्रेंथ भी है और वो तुहानू सही रस्ते ते भी रखता है। बट थोड़े क्रिटिक्स कहंदे नहीं है कि तुसी वो नाम यूज कर रहे हो? नहीं, वो आई कांट हेल्प इट, आई कैन नॉट डिसोसीएट। मैं अपने आप नू जसपाल भट्टी जी तो अलग नहीं कर सकती, पब्लिक भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक सिर्फ एक वाइफ नहीं सी एट एनी स्टेज। या तो हुंदा कि मैं एक हाउसवाइफ हुंदी, मैं कभी घरों बाहर नहीं निकली हुंदी, तो उन्हों का अपना एक इंडिपेंडेंट काम हुंदा। मैं हर चीज़ से, चाहे वो साढ़े स्टेज शो से, चाहे वो सीरियल्स होंगे, चाहे नॉनसेंस क्लब होंदा सी, हिज वर्क स्टो जिहड़ी स्क्रिप्ट्स लिखते सी, आई यूज टू बी द फर्स्ट परसन टू रीड इट। सो वो मैं उन्हों की आई वुड से एक हम सफर सी। सो किते ना किते वो सोच तुहाडे उत्ते भी तो रबिन करती है ना। थोड़े क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि थोड़ा कोई पोलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई जरूरी है पोलिटिकल एक्सपीरियंस? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई थिंक तुहाडा कोई माइंडसैट नहीं इन टर्म्स ऑफ प्री कंसीव्ड चीज़ा नहीं है। एंड मेरा फोकस भी यही रहेगा कि दैट आई एम नॉट फ्रॉम अ पोलिटिकल बैकग्राउंड। मेरी एक अपनी सोच है, जे कोई राइटर सपोज जिस तरह हूँ केरला च राइटर हैज़ बीन चोजन एज एन आप कैंडिडेट, उन्हों की अपनी जी एक फ्रैशनैस या पार्टी च आन नाल वो नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होएगा। द अदर थिंग यू नो अखबारों में आ रहा है कि थोड़ा नाम इज़ अ सरप्राइज इन चंडीगढ़, के सरप्राइज आया कि शॉर्टलिस्ट जिहड़े नाम होए सी उन्हां विच भी नहीं सीगा। एक्चुअली देयर सम कन्फ्यूजन, जिहड़ा शॉर्टलिस्टिंग सीगा उहदा थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन ऐ सीगा कि जिस तरह कैंडिडेट्स दे नाम गए, द पार्टी वॉन्टेड कि उन्हों असी एक ट्रांसपेरेंट मैथड रखिए। सो वो जिस तरह अपलोड होंदे गए फॉर्म्स, देवर 31 फॉर्म्स, और नाल नाल देवर अ लाइन विच सैड दैट फर्दर इट्स बीइंग अपडेटेड। सो इवन आई गॉट अ कॉल सेइंग कि मैम आपका नाम नहीं है इसमें। सो आई सेड ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिकॉज वंस व्हेन यू आर इन द रेस यू कैन बी सिलेक्टेड, यू कैन बी एलिमिनेटेड। एंड आई डिड नॉट कॉल एनीबडी, आप मैं ना किसी नु फोन किया, ना मैं अपना नाम किसी दूसरे को मिस्टर केजरीवाल नु मिले भी नहीं आज तक। सो आई एम नॉट पुश्ड माय नेम, बट द कॉल केम फ्रॉम दैट साइड कि तुसी फॉर्म, तुसी पार्टी ज्वाइन की थी, तुसी फॉर्म भरिया। मैं क्या, हाँ जी। कहिंदे जदों चंडीगढ़ की गल असी, चंडीगढ़ कुछ कैंडीडेट्स तुहाडा नाम क्यों नहीं सीगा, मैं क्या मेरे कोल ते आप दी एक जिहड़ी ऑटो जनरेटेड एक रिस्पोंस हुंदा, मैनूं ओह वी मिल गया सीगा कि तुहाडी उत्थे पहुँच गई है। No, for whatever reasons, but then I went through the proper process. So when unhanu pata chalya ki that you are there, they know your credentials, unhanu pata hai tusi kis tarah da kaam kita hai. Obviously hun tusi taiyari cho te you are the candidate. 10 April nu Chandigarh di election hai aur meena ki reh gaya hai. Haan ji, haan ji. Te Pawan Bansal is going to be, I think, your most, is your closest rival. Haan ji, haan ji. तीन बारी वो एम पी बन चुके कंसेक्यूटिवली, हाँ जी, कितना तुसी ये चैलेंज उन्होंने करोगे? मेरा चैलेंज इज रीचिंग आउट टू द पब्लिक, क्योंकि आई थिंक मैं हर बार ये कहती हूँ कि जिहड़ी पब्लिक है वो बाप है, वो सारिया दी बाप है। उन्होंने पता है, दे नो द ईवेंट्स, दे नो द सीक्वेंसिस, उन्होंने पता है। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जिहड़ी पब्लिक है, इट कैन नॉट बी बॉट विद द ट्रडिशनल, जो तुसी पैसे दारू वट एवर, फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल आर सेइंग दैट जिहड़ा सिस्टम हैगा ओप्रेसिव हैगा, वी नीड टू एक्ट, एंड आई थिंक दैट हैज़ कम बिकॉज ऑफ। सो तुसी कह रहे हो कि पवन बांसल पहले इलेक्शन अपनी मनी पावर दे? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स कि पहला तुसी इफ यू हैव द पावर यू ट्राई टू परचेज द वोट्स। आई एम सेइंग दैट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम। बट केड़े इश्यूज तुसी लेके जाओगे? करप्शन, इज करप्शन द मेन इशू? यस, करप्शन इज द मेन इशू, बिकॉज करप्शन नो असी की समझदे, करप्शन नो असी समझदे हैं कि दैट जस्ट टेकिंग से say a bribe is corruption, that is okay, that's the most obvious form, but je tadi file kithe ruki rehndi hai, you are not answerable to the public, that is in some form of corruption. Je tusi koi maybe you have eco system bana lende ho jede ch tusi kehnde ho ki this goes to this tender or this is allotted to this person, oh agyon
जिन्हां नूं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उहदे विच देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द मनी दैट इज़ अलॉटेड एंड दैट इज़ एक्चुअली रीचिंग. बट होर भी इशूज होणगे कि वाई ओनली करप्शन. यू थिंक कि कल्ला करप्शन ही है कि हिंदुस्तान च जिहड़ा सब तों वड्डा मैनेस है? आई थिंक बिकॉज इट टचेज एवरीबडी, इट टचेज एवरीबडी, तुसीं चाहे सोसाइटी का कोई भी स्ट्रैटा होवे. आई थिंक करप्शन इज़ वन थिंग जिहड़ी ताडी सिस्टम नूं डीके करदी है. और अगर असी सरकारी दफ्तरां दा नाल हर बंदे दा वाह पैंदा है, सड़क ते तुसी जांदे हो ताडा पुलिस नाल वाह पैंदा है, यू आर देयर फॉर अ गैस सिलेंडर उत्थे, मतलब एवरीवेयर देयर इज स्टैगनेशन. बट चंडीगढ़ बारे थोड़ी की विजन है? चंडीगढ़ बारे माई विजन वुड बी कि जिहड़ा एक गैप हैगा, दिस सिटी हैज़ अ वेरी यूनीक कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कि देयर इज दिस सुपर इंटेलिजेंट सुपर रिच क्लास कि जिहदे देन देयर आर एवरीबडी इज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ अ VVIP बिकॉज देयर आर थ्री इत्थे ताडी गवर्नमेंट्स हैगियां. नाल ही कॉन्ट्रास्ट च यू हैव कॉलोनीज विच इज इन बिटवीन, यू हैव अ वेरी स्ट्रोंग वर्किंग मिडल क्लास. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल मिक्सचर. बट यू वॉन्ट कि जेडे दी हैव नॉट्स एंड हैव्स ओदे देर हैज़ टू बी समथिंग दैट यू नो समबडी शुडंट गेट अवे विद समथिंग बिकॉज यू आर प्रिवलेज्ड और यू आर बॉर्न इन टू दैट प्रिवलेज. लेट द प्रिवलेज बी अर्नड. सो वॉट आई एम सेइंग इज कि जे आई विल बी लुकिंग एट इफ दिस सिटी इज़ यूनिक इन टर्म्स ऑफ इट्स लोकेशन, इट्स ब्यूटी, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, देन लेट अस सी कि एक्चुअली ये सिटी ब्यूटीफुल होवे. ये थोड़े ख्याल च हैगी सिटी ब्यूटीफुल रह गई है? आई थिंक द ट्रैफिक, द पार्किंग, द काइंड ऑफ रोड रेज वी सी, द काइंड ऑफ लेथार्जी, यस, द लेथार्जी इन द ऑफिसेस, द बाबू कंट्रोल जेडे ब्यूरोक्रेट्स है, दैट आई थिंक दैट डजंट मेक दिस अ सिटी ब्यूटीफुल. चंडीगढ़ नूं कहा जांदा है कि सारे हिंदुस्तान विच एक सब तो अनडेमोक्रेटिक जो सैटअप है वह चंडीगढ़ विच है, तो इहदे लई तुहाडे बारे कोई ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ? ਇਟ ਵਿਲ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਢਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ. ਸੋ keeping national ideology and edi we will try to see ki assi where we can make a difference. But Chandigarh da character vi change ho reha hai bahut, aur bahut rola penda hai, and it is the city beautiful. Do you think eda character nu hold karan di lod hai ke changes lyan di zarurat hai? It's a dilemma. I think har bande de mind ch dilemma eh hunda hai ki tusi you want to hold on to the old. But how can you hold on to the old when you, there's so much of population that is coming in. So the moment you cater to the population, jehdi aayi hai, tanu design basic change karna hi payega. I want to come to Mr. Jaspal Patti. Mm-hmm. October 2013 was when he passed away. What would Jaspal Patti diyan ki khas qualities sigiyan jehdiyan tuhanu ajay tak, you know, awe kardiyan ya tuhanu inspire kardiyan? I think his clarity of vision and super intelligence. See, the biggest mistake we make is when we call a comedian, a humoristic philosopher, no, tusi sirf ek comedian keh dende ho. I cannot speak for anybody else because mainu kise di, I don't know the depth of their skill or their talent. But kyunki we were married for 26 years and I mainu jehdi cheez unna di touch kardi sigi, the biggest lesson jehda main unna to sikhiya is to being humble. He o Chandigarh che 17 sector che he could just be seen walking. Hun sanu inne log milde jehde kehnde ki main Jaspal ji nu milya, o kadon milde sige, I don't know. So I think that warmth, and he never thought ki main koi celebrity ya main koi public figure ya.
बिकॉज ही न्यू कि उन्होंने स्ट्रेंथ जी एक आम आदमी है कि जो लोगों के नहीं घूमेंगे वो आइडियाज़ कितों आएंगे जो दफ्तर च नहीं जाएंगे वो कितना फ्लॉप शो बनेगा कितना उल्टा पुल्टा चीज़ा कितना हमेशा उन्हें एक फनी बोन सी और कि डिवेलप हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं आई थिंक इट वॉज इनहेरेंट एनीबडी हु टॉक टू हिम सम इंसिडेंट कोई तुसी याद करो थोड़ी पर्सनल लाइफ विच उन्हां दे नाल आई थिंक दैट्स अ ह्यूज बहुत दिस बट आई रिमेंबर एक बार उन्हां नूं ही हैड सम प्रॉब्लम विद हिज आई थिंक शोल्डर और समथिंग एंड बॉम्बे च उन्हां दे किसी फ्रेंड ने उन्हां दा अपॉइंटमेंट फिक्स कराई विद अ वेरी फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर तो और डॉक्टर फिर जो होम्योपैथ पुछते हैं ना तेन ए है तेन ए है ही कैप्ट सेइंग यस 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 देन ही आस्क्ड हिम ही सेज आप मतलब डिससैटिस्फाइड रहते हैं चीज़ों से सो ही सेड यस बट ही सेज डॉक्टर साहब इसकी दवा मत दे देना क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है वो तो दवा मैं देता हूँ कि जे तुसी मैंने ये दवाई देती तो फिर आई विल बी कंटेंट कि सब कुछ ठीक हैगा सो जी डिससैटिस्फैक्शन होंगी सी वो एट टाइम्स तुहानू बड़ी वो लगती सी कि जस्पाल जी ठीक हैगा इट्स लाइक why are you getting it's nothing but I think that was his strength that dissatisfaction made him react made him find and Khushwant ji da mainu main us insaan nu is karke salam kardi ha not because just he was my husband but because probably I would challenge anybody ki mainu duniya vich tusi dikha do ik hor insaan jinne humor de inne aspects nu touch kita टेलीविजन ते गए फिल्म्स कीतियां देन रोट फॉर न्यूज़पेपर्स स्ट्रीट प्लेज एंड देन ही वेंचर इनटू एजुकेशन सेइंग कि साड़ी वारी है टू गिव बैक आई हैव टू सी समबडी एल्स विद दैट काइंड ऑफ अ वेरीड आउटपुट इन ह्यूमर क्योंकि असी एक चीज़ लभ लेंदे असी उहदे ते फोकस करते हैं उदों लगता सी सानू कि ये साड़ी वीकनेस हैगी है कि सानू कि तुसी बहुत जगह हाथ पैर मारे आ बट टुडे आई एम सो प्राउड दैट दिस मैन एक्सप्लोर्ड ऑल पॉसिबल मीडियम सो फैमिली ने किदां कोप अप कीता विद दिस ट्रेजेडी आई थिंक वी कैन नेवर फिनिश ग्रीविंग फॉर हिम बिकॉज द फैक्ट इज जदों भी कोई इदां दी ट्रेजेडी होंदी है फैमिली इज द हार्डेस्ट हिट लेकिन इन आर केस आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस वॉज दैट द होल वर्ल्ड ग्रीव्ड विद अस सारी दुनिया एंड द मोस्ट अस्टोनिशिंग थिंग वॉज कि लोगों ने सानू ऑस्ट्रेलिया कैनेडा कितों कितों फोन करके कहा कि असी गुरुद्वारों से इन्हों अरदास की है वॉट एन अमेजिंग थिंग दैट इज सो वो तुसी एज यू ग्रीव फॉर हिम यू ऑलसो स्माइल तुसी हसते भी हो एंड यू से वॉट अ लाइफ जसपाल जी तुसी मतलब किन्नी खूबसूरती नाल अपनी जिंदगी जी गए कि तुसी हर इंसान नू छू गए कई लोग 100 साल तक जी जाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस बट इस इंसान ने इन्ने छोटे टाइम च दैट ही वॉज एबल टू रीच आउट एक आम बंदे लिए एक खास बंदे लिए पॉलिटिशियन या फिल्म स्टार या एनीबडी एंड अ ग्रेट फादर ग्रेट हजबेंड नॉट कि ही वॉज अ ग्रेट फैमिली मैन सो इट वॉज अ वेरी टफ ईयर फॉर अस बिकॉज इन मे वी लॉस्ट आर ब्रदर इन लॉ जसपाल जी ते जीजा जी देन इन ऑगस्ट वी लॉस्ट आर फादर इन लॉ ही लॉस्ट हिज फादर एंड टू मंथ्स लेटर ही हिमसेल्फ वेंट अवे सो वी सॉ 3 deaths इन दैट ईयर एंड इट वॉज सो सानू लगता सीगा कि असी साडा काम सिर्फ करों गोइंग टू सैक्टर 25 क्रिमेशन ग्राउंड यही रह गया साढ़े घर च जो पाठ होंदा सीगा इट यूज़ टू बी समटाइम सो कन्फ्यूजिंग सानू लगता सी कि हैगा जीजा जी का हो रहा कि पापा का हो रहा कि जसपाल जी का वॉट इज़ दिस हैपनिंग विद अस I read somewhere you mentioned के जसपाल भट्टी उन्होंने अपना ड्यू नहीं मिले पूरा थानू लगता है कि उन्होंने पूरा ड्यू Yes, I would say that even today that the Punjabi film industry didn't give him his due
ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਡਨਟ ਗਿਵ ਹਿਮ ਹਿਸ ਡਿਊ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਮੈਸੇਜ ਨੋਬਡੀ ਹੂ ਕੇਮ ਟੂ ਆਫਰ ਦਿਸ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰ ਦੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂ ਓ ਦਿਸ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਸੈਡ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਇਫ ਈਵਨ ਇਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੇਅਰ ਹਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਸੈਡ ਅ ਬਿਗ ਬਿਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਔਨ ਅ ਸਟੈਰਿਕ ਔਨ ਅ ਸਟਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲਓਗੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਕੀਪ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਮਿਸਟਰ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਟ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਹਿਊਮਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸਪੀਚਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਨ ਲੂਜ਼ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਹਿਜ਼ ਲੈਗੇਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਲੈਗੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਪਰਹੈਪਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਪੋਸਥਮਸਲੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯੈਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਯੂ ਐੱਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਯੂ ਐੱਸ 'ਚ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਟੇਕ ਅਪ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਸਰਾਜ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਗੇਵ ਇਟ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆਵਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਯੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੈਲਟ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੇਅਰ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਜੋਬ ਇਜ਼ ਡਨ ਅਸੀਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਏ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਔਰ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਵੂਮਨਸ ਵੀਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਵੂਮਨ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ
सब तो ज़्यादा जी घबराहट वाली गल है कि जिन्ना इनू मीडिया रिपोर्ट करता है उन्ने की इंसीडेंट्स होर वधी जा रहे हैं। नाउ आई डोंट नो वैदर कि यह पहला अनरिपोर्टड जाते सीगे कि हुण एक्चुअली रजिस्टर हो रहे हैं केसिस। सो आई थिंक जी एक वुमेन सेफ्टी का दैट इज़ एन इशू दैट इज़ इट्स साडी साइकी साडे कोई सोशल स्ट्रैंडस कुछ धागे सोसाइटी दे वो किस तरह होंगे इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चीज़। और आई हैव अ डॉटर मैंने वो सेफ्टी की फिर फिक्र होंगी है अपने फ्रेंड्स की होंगी अपनी होंगी है। तुसी अनसेफ फील करते हो जो राति लेट कितने जाए आप थोड़ी डॉटर? यस होंगे दैट मेंटल प्रेशर इज देयर। सो चंडीगढ़ इज अनसेफ फॉर वुमेन? जनरलाइज नहीं मैं करांगी क्योंकि हुण तक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। बट ये होंगे कि जो तुसी पहला लेट होंगे सी आई थिंक मेरे साइकोलॉजिकली भी मेरा क्योंकि माइंडसैट इज दैट ही इज़ नॉट हेयर जसपाल जी साढ़ा एक जरा उपर एक अंबरेज होंगी सी वह चली गई है। सो एक वह भी हों कि दैट यू आर नाउ अ लिटल ऑन योर ओन। बट यह होंगे कि दैट द मोमेंट इज इट इज़ 9:30-10 कि तुसी सपोज इतों फिल्म देख के आ रहे होंगे एक स्लाइट लगता पैनिक बटन जरूर दबना शुरू होंगे हालांकि यू नो कि ऑलमोस्ट 60% 70% पीपल नो हु यू आर बट उसके बावजूद यू डोंट नो कि किस तरह के माइंडसैट्स तेरे सामने आने। सो इट इज़ अ लिटल ट्रबलिंग। इलेक्शन जे तुसी नहीं जीतते इफ यू डोंट मेक इट टू द पार्लियामेंट तुसी पॉलिटिक्स कैरी ऑन करोगे कि वापस अपने जिहड़ा थोड़ा प्रोफेशन है उस ते आ जाओगे? आई अंटिल अनलेस मैनू मैं बार बार ये गल कहती हाँ कि मैं किसी भी चीज़ की डेस्परेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई सर्वाइवल दिस माई फोकस इज़ दैट हिज नेम जसपाल जी का नाम और उन्होंने लैगसी। सो असी जे हार जे जित जाते हैं तद भी वह नाम अगे जाता है जे हार जाते हैं तो होर भी डटांगे वी विल स्माइल इवन मोर बिकॉज वी हैव अ रीज़न टू मूव अहैड वी हैव अ रीजन वी हैव उन्होंने स्क्रिप्ट्स हैगियाँ साढ़े को उन्होंने असी वी आर प्लैनिंग लॉट ऑफ जसराज साड़ा बेटा हैगा इज प्लैनिंग टू गिव हिज यूज़ हिज वॉइस यूज़ इट। सो साढ़े को मन च बहुत चीज़ा है उन्होंने एंड नॉनसेंस क्लब है। सो जसपाल जी ने साढ़े लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं एंड अपने लिए आई डोंट थिंक ही कैप्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। सो ही इज़ गिवन अस दोज प्लेटफॉर्म्स एंड मैंने लगता कि जेड़ा आप पार्टी का भी इट्स अ सिग्नल टू मी दैट जसपाल जी वॉन्टड दिस टू हैपन एंड असी अगर वो प्लेटफॉर्म्स ना यूज़ करिए तो साड़ी अपनी बेवकूफ़ी होगी। सो आइदर वे आई एम गोइंग टू बी अ विनर वेदर आई गो टू पार्लियामेंट और आई डोंट आई एम गोइंग टू बी अ विनर बिकॉज आई कैरी अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी एक देशभक्त का नाम मेरे नाल हमेशा मेरा नाम जुड़िया रहेगा उन्होंने नाल। थैंक यू मिसेस पाटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो आपां मिलांगे फेसबुक ते असी दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।